welcome children children this is the continuation to the previous videos on goodwill and probably it will end the treatment of goodwill in all children we remember that we have studied the second case when new partner is unable to bring his share of goodwill yes he is not bringing his share of goodwill so children we have studied that under this method we apply what is called as net effect method and we make the new partner as the debtor to the business

चिल्ड्रेन इट गोड्स वेरी सिंपल वॉट वी डू इज हम गुडविल को एज एन क्रिएट करेंगे द मैथड इज नोन एज रिवैल मैथड एंड सब्सिक्वेंटली वील राइट इट ऑफ एंड द मैथड इज नोन एज मेमोरेंडम रिवैल्युएशन मैथड सो चिल्ड्रेन हेयर वी गो विद द जर्नल इंट्रीज फर्स्ट एंड फोरमोस्ट चिल्ड्रेन हम गुडविल को उसकी फुल वैल्यू से रेस करेंगे बच्चों रेस करने का मतलब द वैल्यू दैट वी कैल्क्यूलेटेड एज पर एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट वेटेड कैपिटलाइजेशन एंड मेनी मोर मेथड कुड बी देयर उस मेथड से बच्चों जो भी आपने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की आप बुक्स में उसको क्रिएट करोगे द नेम ऑफ द मेथड चिल्ड्रेन रिमेंबर इज री वैल्युएशन मेथड एंड द जर्नल एंट्री इज गुडविल अकाउंट डेबिट दैट इज डेबिट द इंक्रीज इन असेट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट because children, it is the firm which was belonging to the old partners, Uno reputation create ki hai. so they will be getting the advantage and their capitals would be fictitiously increased. so children, we will be recording the full value of goodwill and dividing it in old profit sharing ratio. children, as i said, we have recorded the value of goodwill here. we have debited it here.

क्रिएट किया था बुक्स में बच्चों यूजिंग रिवैल्युएशन मेथड नाउ वी विल राइट इट ऑफ यूजिंग द मेथड नोन एज मेमोरेंडम रिवैल्युएशन वॉट चिल्ड्रन वील डू हेयर चिल्ड्रन वील बी डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट वाई चिल्ड्रन दोज पार्टनर्स हु गॉट द क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रेजिंग विल नाउ बी डेबिटेड कि उनका फिक्टिशियस इफेक्ट जो कैपिटल को इंक्रीज कर रहा था वो हम बच्चों डेबिट कर देंगे एंड द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल तो बच्चों हम उसके करंट अकाउंट से उसे डेटर बना देंगे दैट्स वाई चिल्ड्रेन वी हमने बच्चों यहां पे क्रेडिट किया था वाइल क्रिएटिंग गुडविल इन द लेफ्ट कॉलम यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सो आपने फिक्टिशियस क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट करना है पार्टनर्स को एंड द न्यू पार्टनर हु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल हम उसे डेटर बनाएंगे तो चिल्ड्रेन ऑल पार्टनर्स का मतलब है ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप यूज करेंगे एंड न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट देन द वैल्यू ऑफ गुडविल विच वॉज डेबिटेड हेयर इट विल नाउ बी क्रेडिटेड टू कैंसिल द इम्पैक्ट इन द बुक्स एंड चिल्ड्रेन दिस एंट्री विल बी पास्ड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सो चिल्ड्रेन आई होप सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल इज क्वाइट क्लियर रेस करते टाइम आप गुडविल को डेबिट करोगे एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रिएट करेंगे डिपेंडिंग फ्लक्चुएटिंग या फिक्स मेथड क्या है देन चिल्ड्रेन वाइल राइटिंग ऑफ हम सारे पार्टनर्स को डेबिट करेंगे ओल्ड को कैपिटल के नाम पे और न्यू को सो कॉल्ड करंट अकाउंट पे एंड गुडविल विल बी चिल्ड्रेन क्रिएटेड चिल्ड्रेन इन बोथ द एंट्रीज वील बी यूजिंग द फुल वैल्यू ऑफ गुडविल एंड द एंट्री फॉर रेजिंग विल हैव ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसमें आप गुडविल डिवाइड करोगे एंड फॉर राइटिंग ऑफ चिल्ड्रन इट विल हैिंग रेशियो बच्चो इसका नेट इफेक्ट वही बन जाएगा जो आपने पढ़ा था वेन द न्यू पार्टनर वॉज अनेबल टू ब्रिंग हि शेयर ऑफ गुडविल तो चिल्ड्रेन जब क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली ये चीज लिख के दे

A and B are partners sharing profits and losses as 3 by 5, 2 by 5. They agree to admit C into partnership, who is to get one fifth share in business. C brings rupees ninety thousand as capital, but is unable to contribute his share of goodwill. Goodwill of the firm is valued at rupees twenty thousand. Make necessary journal entries in connection with C's admission, assuming.

Children, first and foremost, we'll do the entry for bringing capital that is bank account debit to C's capital account. Then, children, the value of goodwill which was given to us in the question was 20,000. We have raised goodwill and thereafter we write off. Remember, children, when goodwill is raised, it is raised in OPSR. ट्वेंटी थाउजेंड को चिल्ड्रेन थ्री टू टू में हमने डिवाइड कर लिया विच कम्स टू ट्वेल्व थाउजेंड एंड एट थाउजेंड एंड चिल्ड्रन, वी में आपने इसको राइट ऑफ करना है वेयर ओल्ड पार्टनर्स वुड बी डेबिटेड देयर कैपिटल्स एंड न्यू पार्टनर डेटर टू द फर्म विल बी डेबिटेड चिल्ड्रेन इन द नेम ऑफ करंट अकाउंट तो चिल्ड्रेन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रिसाइसली देर आफ्टर चिल्ड्रेन गुडविल विल बी क्रिएटेड विद रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड तो चिल्ड्रेन रेजिंग विल बी डन इन ओपीएसआर एंड राइटिंग ऑफ विल बी डन इन एनपीएसआर तो बच्चों इन दोनों एंट्रीज से वही इंपैक्ट आपकी बुक्स में आ जाता है ऑटोमेटिकली जो नेट इफेक्ट में आता है तो so, चिल्ड्रेन जब क्वेश्चन आपको रेजिंग राइटिंग ऑफ लिख के देगा तो आप नेट इफेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे आप रेजिंग राइटिंग ऑफ से ही करेंगे एंड चिल्ड्रेन नेट इफेक्ट में यू कैन सी I've drawn a comparison chart children. We have credited Mr. A with 12,000 and debited with 9600. So net effect is on the credit 2400. Then children, we have credited Mr. B with rupees 8000 and debited with 6400 and children. The net effect is coming 1600 rupees. So but your net impact would remain same.

चिल्ड्रेन वेरी सिंपल उस बुक वैल्यू को आप राइट ऑफ करेंगे जैसे हम स्टार्टिंग से करते चले आ रहे थे ओके okay, चिल्ड्रेन तो रिमेंबर दिस बच्चों अगर आपको रेजिंग राइटिंग ऑफ क्वेश्चन में मैंशनड है तो आप रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ की एंट्री ही करेंगे इन दैट केस नेट इफेक्ट करना बच्चों अलाउड नहीं है द एंट्री फॉर रेजिंग विल हैव गुड डेबिटेड एंड पार्टनर्स क्रिएटेड इन ओपीएसआर एंड एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ विल है इन कैपिटल एंड न्यू वन इन करंट और फ्लक्चुएटिंग मैथड है बच्चों तो वी बेटर नो हम सबके लिए करंट यूज करना है सब पार्टनर्स के लिए तो चिल्ड्रेन आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट क्लियर देर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो चिल्ड्रेन वी विल अटेम्प्टेड इन द लाइफ क्लास चिल्ड्रेन फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज यू कैन डू इट बिफोर हैंड एज वेल तो बच्चों बस याद रखिएगा दिस राइटिंग ऑफ एंड रेजिंग का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया रेजिंग राइटिंग ऑफ का यह सिर्फ नेट इफेक्ट के डेरेवेशन को समझाने के लिए बनाया गया है इफ द क्वेश्चन इंस्ट्रक्ट वील डू इट एल्स चिल्ड्रेन हम जैसे नेट इफेक्ट की एंट्री करते थे एक्जैक्टली exactly वैसे ही हमें एंट्रीज करनी है थैंक यू चिल्ड्रेन